महाराज आपने वचन दिया है पुत्र करूं हूं। जी पता नहीं जब मैं घर से चला जब बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब अचानक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यमराज मेरे कहीं आसपास हो, मेरे मृत्यु के दिन नजदीक हो। आप ये क्या कह रहे हैं पिए जी? आपने बहुत ज्यादा लकड़ियां काट ली है, आप थक गए हैं मैं जानती हूँ। पिए जी आप मेरे पास आके थोड़ी देर बैठिए, लाइए मैं आपका सर दबा देती हूँ, आपकी सारी थकान उतर जाएगी। सावित्री थक्या को ना मन नू लागे है, अक्षावत्री मेरे प्राण काट कोई ले जाना चाहे से, मेरी काया में भड़क लाग रही चक्कर साओ से। आपको कुछ भी नहीं होगा, आप भगवान पे विश्वास रखिए, आपको पिए जी कुछ भी नहीं होगा। प्रेमी सजनों एकदम फटका खा के सत्यवान गिर जाता है और यमराज आया, यमराज महसूस के कहानी बनी। आत्मा निकालने के लिए यमराज ने हाथ बढ़ाया। रुकिए महाराज रुकिए। बेटी क्या तूने मुझे देख लिया? जी बिल्कुल। सजनों ऐसा पहली बार हुआ, मरने के बाद इंसान यमराज को देख पाता है, जीते जी कोई नहीं देखता। बेटी तूने निर्जला एकादशी के व्रत करे जिसके कारण तने मेरे दर्शन कर लिए, ये कौन है? ये मेरे पति है। तेरा पति है? हाँ महाराज। लाडो ये तो मर लिया। नहीं महाराज नहीं। तेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है। नहीं। जब तक तू अपने पति के कने बैठी है मैं तेरे नजदीक नहीं आ सकता, क्योंकि तेरी सत की अग्नि मुझे भस्म कर देगी। बेटी अपने पति के शरीर से अलग हो और मुझे तेरे पति की आत्मा को बाहर निकालना। महाराज ऐसा मत कहिए, एक बार आप मेरे पति की उम्र तो देखिए, अभी तो हमारे शादी के पूरे एक वर्ष हुए हैं और अभी से आप मेरे पति के प्राण निकाल रहे हैं, ऐसा मत कीजिए महाराज। एक साल पति का सुख भोग लिया, दुनिया में ऐसी भी लड़की है, एक दिन सुहागण और दूसरे दिन विधवा हो जाती है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़े तो यमराज नहीं मना करता, जिसका कोई अपना मरता है सारा कुड़मा खड़ा होकर हाथ जोड़े है। अगर मैं हाथ जोड़े तो मान जाऊं तो दुनिया का क्या हाल हो, हट जाए इससे अलग। नहीं बेटी शाम हो गई है, इसके अंतिम संस्कार की भी चिंता कर। नहीं मारा। अलग हट। नहीं। हट। सुन मेरी बात। सावत्री उल्टी हट जा। कैसे हट जाऊं महाराज? उल्टी हट जा। नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म में राज मेरी तू कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म में राज मेरी तू कर जिंदगी कट जा। तेरा फर्जी हुआ पूरा री, उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट चाहती है? मैं अपने पति के प्राण चाहती हूँ। लेकिन इसकी आयु पूरी हो चुकी है। कैसे पूरी हुई महाराज? इसके शरीर से अलग हट। कैसे हट जाऊं? चल ठीक है मैं जिंदा कर दूंगा, एक काम कर। क्या? खड़ी हो और वो गुलाब का फूल तोड़ के ला। नहीं महाराज आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं। कैसा? ताकि मैं वो गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जाऊं और इधर आप मेरे पति के प्राण निकाल ले। अरे तू तो बड़ी चालू है। बेटी
इस लाश से अलग हट। नहीं महाराज, मैं तुझे और भी कुछ चीज दे सकता हूँ, मेरी बात सुन। कहिए। दिखे पहले बचनी भरो भगवन में आगे पे सवाल करूं, पहले वचन भरो भगवन में आगे पे सवाल करूं। ले एक दो तीन। ठीक है महाराज। सत की सती सावित्री, ये सत की सती सावित्री, मैं भी तो तेरा ख्याल करूं। जवान अवस्था जति पति बिन मोक्ष पता किस काल करूं, जवान अवस्था जति पति बिन मोक्ष पता किस काल करूं। ए भलेरी बुरे कर मौका ले खा, ए भले बुरे कर मौका ले खा, भले बुरे कर मौका ले खा, ईश्वर के घर छट जा। से अलग हो, ये तीन वरदान में तेरे तीन वरदान दिए। महाराज मुझे आपसे, आपने मुझे तीन वरदान तो दे दिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप मेरे पति के प्राण दिए। अरे पति का दरोड़ा है यो, पति ने छोड़, इसके बदले मैं तीन वरदान देता हूँ बेटी, मांग। क्या मांगना चाहती है, मांग। अच्छा हाँ। तो ठीक है महाराज, अगर आप यही चाहते हैं कि तीनों वरदानों में अपने पति के प्राण ना मांगू, तो ठीक है महाराज, मैं अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी। पक्की बात? पक्की बात, बन गया काम। यकीन मेरा, अरे राज मिले, दिखे राज मिले और नैने खोल दो, वो ससुराल तर ही न मेरा, राज मिले और नैने खोल दो, वो ससुराल तर ही न मेरा। तेरा पहला वरदान जी, तेरे सास ससुर का छीना हुआ राज। हाँ महाराज। तेरे ससुर धुमत सेन का चोंडा राय मंत्री ने जो राज खोसा। हाँ। वो राज दिया जी। और तेरे सासू ससुरे की जो आंखें की ज्योति है, उनकी आंखों की रोशनी भी दी। हाँ महाराज। तथास्तु जी। ऐसा ही होगा सावित्री, ऐसा ही होगा सावित्री, देख लिए तुसीन मेरा, अरे बिना पति किसरी मान मन होगा कति मलीन मेरा, बिना पति किसरी मान मन होगा कति मलीन मेरा। ए जीत उसी की होती है, हे रे 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 रे। ओए जीत उसी की होती है जो सत के ऊपर डट जा, अरे उस मानसी ककी कर ले जो कही बात ने डट जा, उस मानसी ककी कर ले जो कही बात ने डट जा। नहीं नटूंगा, एक वरदान तेरे सास ससुर का राज जी, उनकी आंखें दी, दो वरदान और बचे, पति का जिक्र मत करना, जो तू कहेगी मैं दे दूंगा, और मांग ले। तो सुनिए, दूर कर
करो। दिखे दो पुत्र हो, दो बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। दो पुत्र हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। बस जी, तेरे पिता के दो पुत्र। हाँ महाराज। बेटी जाती तथास्तु। अच्छा। दो भाई तेरे हो जाएंगे, जातो भाई तेरे हो जाएंगे, खुशी आज भरपूर करो। अरे एक पुत्र हो, एक बेटा हो मेरी कुकी से, तेजस्वी और शूर करो। एक बेटा हो मेरी कुकी से, तेजस्वी और शूर करो। तेरा बड़ा बड़ा धन्यवाद बेटी। दो राधु कदे पास से गई, हमरा चीटिंग कर गया जी। पहले वचन में, पहले वरदान में तेरे सास ससुर की आंख, उनका राज। हाँ महाराज। तथास्तु जी। दूसरे वरदान में तेरे दो भाई, तेरे बाप के दो बेटे पुत्र, तथास्तु जी। और तीसरे वरदान में तेरे भी एक पुत्र बेटी, तथास्तु। ठीक है महाराज। देता हूँ वरदान सती, देता हूँ वरदान सती, इब काया का तेरा दुख हट जा। रुकिए महाराज। अरे रुकिए। अरे अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैंने तेरे तीनों वरदान पूरे करे। हाँ। तेरे सास ससुर का राज, उनकी आंखें, तथास्तु जी। तेरे बाप के दो बेटे, तथास्तु। हाँ। तेरे भी एक बेटा, तथास्तु। हाँ। इब के रह गया। अच्छा। देता हूँ वरदान सती, इब काया का तेरा दुख हट जा। दिख कैसे होगा, क्या कैसे होगा रे पुत्र मेरा, जब पति आले तब पति जा। योग्य मांग लिया। क्या मांगा महाराज? मैंने पहले कहा था कि पिता को मत मांगना। अरे महाराज, ये पिता नहीं, पुत्र के है यो। पति। हाँ पति। पति को मत मांगना, पहले ही कहा था। महाराज मैंने पति को कहाँ मांगा है, तो मैंने तो पुत्र मांगा है महाराज। फिर आप ही बताइए। पुत्र दे तो दिया। अरे महाराज आप एक बात बताइए, जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चली जाएंगे महाराज, तो आप ही बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं बेटी। मैं थोड़ा, मेरा बीपी हाई हो रहा था बेटी। ये वरदान मैं जल्दबाजी में दे बैठा, ये वरदान पूरा नहीं होगा, मैं उल्टा ले लेता हूँ ये वरदान। मुझे कुछ नहीं पता महाराज, आपने मुझे तीन वरदान दिए हैं और जल्दी से जल्दी पूरे कीजिए, वरना आप जहाँ से आए हैं वहीं वापस चले जाइए। यमराज की बेइज्जती। सावित्री, प्रकृति के चराचर जीव मेरे नाम से कांपते, क्या तुझे तनिक भय नहीं? देवी डरा मत, आज मैं तेरे काबू में आ गया, ये तीसरा वरदान मैं पूरा नहीं कर सकता। जल्दी पूरे कीजिए, अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत कर रहे थे। तथास्तु, तथास्तु, अब कीजिए तथास्तु। इशी तीशी कर दी तथास्तु ने। लाडो, इसके बदले में तू चाहे 200-400 वरदान ले ले, पर यो को ना दू। महाराज आपका नाम तो यमराज है, यमराज। हसे तो यमराज। आप चाहेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते। यो काम को ना हो। अरे सब कुछ आपके ही तो हाथ में है। मेरे हाथ में बैंगन भी को ना। अरे प्रकृति के नियम होते, कुछ कायदे कानून होता है, ये सब नियम टूट जाएंगे लाडो, ये काम नहीं होगा। नहीं। इसको नहीं दे सकता। करने ही होगा महाराज। नहीं दे सकता। अरे नोनी थी, दिख नोनी थी और बारा सीती, आप भी नाप की माया है। नोनी थी और बारा सीती, आप भी नाप की माया। एक उकर जीवित कर दूंगा मैं तेरे पति की काया। अरे सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान भजन में
एक शर्त पे तेरा पति जिंदा हो सकता है। कौन सी शर्त? ये तेरी परीक्षा है। कैसी परीक्षा? लड्डो जी, तेरी उम्र 100 बरस है। हाँ। अगर तू अपनी आधी जिंदगी 50 साल यमराज को दान कर दे तो 50 साल तू जिएगी और तेरी 50 साल जिंदगी में तेरे पति सत्यवान को दान कर दूंगा। 50 साल ये जिएगा, पर सोच ले घना ही होगा, 100 साल मौज मारेगी इस वर्ग, वरना कितने सत्यवान और से आ जाएंगे। सोच ले क्यों बिगाड़े आधी जिंदगी, आधी जिंदगी का दान करना होगा तेरे पति को जिलाना है तो। सोच के बता, सोच बता क्या चाहती है, छोड़ इसको, मरण दे। महाराज हाँ, आप मेरी आधी जिंदगी क्या महाराज? हाँ, आप चाहे मेरे पूरे 100 साल भी मांगेंगे ना, जब भी मैं अपने पति को दे दूंगी महाराज। आए, ताली बजानी पड़ेगी भाई को दे दूंगी। ले तो आधी जिंदगी दे लीजिए, तेरी आधी जिंदगी तेरे पति को दी, ले बड़ा खड़ा होगा। अरे मान सिंह ने मन सम महाराज, आपने वचन दिया है पुत्र करूं हूं। मान सिंह ने मन समझाया, मान सिंह ने मन समझाया, गान हरि हर कारत जा और कह रघुनाथ तेरा मित्र।